आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि WhatsApp पर किसी को भी PDF फाइल कैसे भेजते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो WhatsApp पर PDF भेजने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में WhatsApp को ओपन करना है। तो चलिए हम WhatsApp ओपन करते हैं। WhatsApp ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जिसको भी WhatsApp पे PDF फाइल भेजना है, सबसे पहले आपको उसके नेम पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर राहुल को भेजना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इनका चैट ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर कैमरा के जो बगल में एक ऑप्शन दिख रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो कि हम माउस पॉइंटर से आपको दिखा रहे हैं, जो कि हैंड वाला आइकॉन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको इस कैमरे वाले ऑप्शन के बगल में जो आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको इस डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके फ़ोन में जो भी PDF फाइल होगा, सारा PDF फाइल यहाँ पर आ जाएगा। नहीं तो आप अपने फ़ोन के फाइल से भेजना चाहते हैं तो फिर से आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे फोल्डर देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको भेज सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इसी में से हम किसी एक को यहाँ पर PDF को ले लेते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक हो गया है। उसके बाद यहाँ पर सेंड के ऑप्शन का आ गया है ऑप्शन, तो आपको इस सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह जो PDF फाइल है यहाँ पर सेंड हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइनली यह PDF फाइल सेंड हो गया है। तो इस तरह से आप WhatsApp पर किसी को भी PDF फाइल सेंड कर सकते हैं, यानी कि भेज सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।